मऊगंज जिला बनाने का श्रेय स्थानीय विधायक नाले। जिला बनाने के लिए मऊगंज की जनता ने संघर्ष किया था, यह उनके संघर्ष का नतीजा है। मऊगंज में जब तक बाण सागर का पानी नहीं आएगा तब तक मऊगंज का विकास बेहतर तरीके से नहीं होगा। मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा के साथ ही जिला बनाने का श्रेय लेने का स्थानीय नेताओं ने प्रयास तेज कर दिया। ऐसे में वरिष्ठ समाज सेवी ने पत्रकार वार्ता करके क्या कुछ कहा। मऊगंज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला घोषित किया है। मऊगंज को जिला बनाने के लिए हमारे मऊगंज के जो सामाजिक संगठन थे उन्होंने 20 सालों से लगातार जिला बनाने के लिए लड़ाई लड़ते गए। मैं मऊगंज के सभी समाज सेवियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी यह लड़ाई निश्चित रूप से सफल हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मऊगंज के एडवोकेट संतोष मिश्रा को, जो उन्होंने अपनी जो जिला का संगठन बना करके जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी के साथ में जा करके गांवों में जन जन से हस्ताक्षर अभियान कराया। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साल तक कॉलेज के सामने टेंट लगाकर उन्होंने भी जिले के लिए लड़ाई लड़ी। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना तो कई बार धरना प्रदर्शन भी आंदोलन किए, 50,000 लोग जा करके इकट्ठा करके जिले के लिए गिरफ्तारी दिए। और मऊगंज के सभी जनमानस मऊगंज को बहुत दिन से चाहता था कि मऊगंज जिला हो, मऊगंज का विकास हो। चूँकि रीवा जिले से मऊगंज हनमना यहाँ तक जड़कुल पिपराही जो मतलब जड़कुल एरिया है रीवा से 160 किलोमीटर की दूरी थी, निश्चित रूप से वहाँ की जनता को रीवा आने में कठिनाई होती थी। और जिला बनने से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया और मऊगंज की जनता की आवाज़ को सुना। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं मऊगंज के पूर्व प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को, उन्होंने इस लड़ाई को अच्छी लड़ाई लड़ा और तब जाकर के सफलता मिली। आज जिला ऐसे छोटे गए और उनको भौगोलिक ज्ञान नहीं है। ज्ञान अगर ज्ञान होता तो ये न कहते कि मऊगंज पिछड़ा है या मऊगंज के लोग चावल गेहूँ, सरकार की योजना है, पूरे देश की योजना है, हर जगह मिल रही है चावल गेहूँ, हर लोग उसका लाभ ले रहे हैं। हम व्यक्तिगत मऊगंज की बात क्यों कहा जाए। विधायक जी क्या पर्सनल क्या है, हम कुछ उनके बारे में नहीं कह सकता। विधायक जी क्या करते हैं, नमक पीते हैं कि पानी पीते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन कल भरे मंच पर ये शब्द आया, इससे हम लोगों को ठेस लगी, इसलिए मैं इस बात को आपके बीच में बोल रहा हूँ। और मऊगंज हमारा हमेशा अग्रसर रहेगा, मऊगंज के लोगों में टैलेंट है। रीवा जिले में सबसे मजबूत मऊगंज है। आज मऊगंज मजबूत था तभी न जिला बना। अपने माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने मऊगंज में घुरेटा गांव को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उन्होंने उद्योग लगाने के लिए पूरा पहल किया। और जब वो मंत्री थे तो मऊगंज क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत सौगातें दी थी।